नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके पॉइंट में। और आज आपकी 3 फरवरी को जो लैब असिस्टेंट का आपका पेपर लगा है उसकी मैं यहाँ पे आंसर के लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जो आपके यहाँ पे 34 क्वेश्चन पूछे गए थे बायो पार्ट से, पूरे 34 क्वेश्चन की मैं कंप्लीट आंसर के लाया हूँ यहाँ पे। 100% एक्यूरेट है बिल्कुल आंसर की, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 100% उत्तर सटीक मैं यहाँ पे दे सकूँ। तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए मेरी आंसर के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा आंसर सही है और आपका कौन सा आंसर गलत है, जिससे आपको पता लग सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे आज गलत हुए। तो मैं आपके लिए पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ में आपकी बायो की कंप्लीट आंसर की यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मेरे को ये बताइए कि आपके कितने नंबर एग्जाम में बन रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। वैसे ऐसा होगा नहीं, मैंने 100% एक्यूरेसी बरती है, 100% एक्यूरेसी के साथ ये आंसर की तैयार की है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है, रेड रस्ट ऑफ टी इज केस्ड बाई, यानी चाय का लाल किट रोग किसके द्वारा होता है। तो जो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा ब्राउन एल्गी, यानी कि भूरे शैवाल के कारण से यह रोग यहाँ पे होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है, जवार के फल को कहते हैं, जवार के फल को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिप सेला, यहाँ पे जवार के फल को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है, देख लीजिए, शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया, जो बायोसिनोसिस शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया। तो ये कार्ल मोबियस ने प्रतिपादित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलियन को पृथक किया है, यानी जिब्रेलियन को पृथक किया गया है, किससे पृथक किया गया है इसको। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जिब्रेलियन को कवक से पृथक किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है, हम देख लीजिए कि उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे रसकोष्ठ, अंतकोष्ठ और टाइलोसिस, ये तो पेड़ के भाग है, यहाँ पे डेंडोग्राम आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए वो इस प्रकार है हमारा, कि प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी सुसन में यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लीजिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, कनाडा बालसम एक मीटिंग एजेंट को स्थाई स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एक जाति से प्राप्त होता है, ये कौन से जाति से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो कौन सी जाति हमसे पूछिए इसमें, तो वो जाति का नाम हो जाएगा पाइनस, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें बिल्कुल सही होगा आपका पाइनस। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, भूस्तरी होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्तंभ, भूस्तरी क्या होता है स्तंभ होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा बायो का, रोजी क्या है, हमसे पूछा है कि रोजी क्या है। तो रोजी है एक ट्रांसजेनिक गाय का नाम है, रोजी क्या है ट्रांसजेनिक गाय है रोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इजी क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग पूछा है हमसे, तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एरिल, यानी कि आपका जो लीची खाने योग्य भाग कौन सा होता है एरिल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार है, देख लीजिए आप कि गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो कितने की होती है 25 की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है, हम देख लीजिए कि पूर्व सतर्कता शब्द किसने प्रतिपादित किया, ये शब्द है किसने प्रतिपादित किया, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मॉर्गन ने इसको प्रतिपादित किया था। आप मेरे को बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आज के पेपर में और आपका पेपर कैसा हुआ है, सब कुछ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, साधारणतः मूसला मूल पाई जाती है, तो साधारणतः मूसला मूल जो पाई जाती है वो अनावृत्ति बीजों में पाई जाती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है हमारा, देख लीजिए आप। रोडोफाइसी का संसिद्ध उत्पाद है, रोडोफाइसी का संसिद्ध उत्पाद है उसको क्या कहते हैं, जो इसका जो संसिद्ध उत्पाद है वो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरिडियन स्टार्च, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका क्लोरिडियन स्टार्च। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, वो इस प्रकार है। पामेला अवस्था पाई जाती है, तो पामेला जो आपकी अवस्था है ये पाई जाती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्लेमाई डोमनाज, क्लेमाई डोमनाज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है कि सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है, तो कौन सा भाग है जो उनका खाने योग्य होता है, तो वो कौन सा होता है, पुष्पा स्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था ये पूछ रहा है हमसे, तो ये हुआ था रियो डिनेजेरिया में, यानी 1992 में ब्राजील में हुआ था ये। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, आप देख लीजिए, एंड्रोजन का श्रवण करता है, तो जो एंड्रोजन है वो कौन से हार्मोन से श्रवण होता था, तो इसमें जो आपकी राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेडिंग कोशिका से एंड्रोजन का श्रवण करती है, लेडिंग जो कोशिका है वो एंड्रोजन का श्रवण करती है। आप चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मनुष्य में जीवाणीय रोग है, तो कौन से रोग है जो जीवाणीय है, तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, प्लेग और टाइफस, ये तीनों जो रोग है ये यहाँ पे जीवाणीय रोग है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए वो इस प्रकार है हमारा, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए, यानी हमसे समजात अंगों का सही सेट का चयन करने के लिए बोला गया है, तो इसमें जो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आप इसको राइट आंसर कह सकते हो। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो देख लीजिए इस प्रकार है कि संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है, कौन सी कड़ी है वो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में नियोपिलाइन, नियोपिलाइना यहाँ पे उसकी एक योजक कड़ी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूंग सिल्क किस कीट से प्राप्त होती है, तो मूंग सिल्क है वो किस कीट से प्राप्त होती है, तो ये होती है बोम्बीबक्स बोराई से, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ये हमारा मिलान का एक क्वेश्चन है कि संघों के नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचनाओं सूची सेकंड से मेल करें तथा सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें जो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पोरीफेरा है वो होता है कीपाणु से, तो आप देख लीजिए। और जो दूसरा है प्लेटा, तो ये किससे हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए से, जवाला कोशिका से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए वो इस प्रकार है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों तो ऐसे एंजाइम है जो भोजन के पाचन में उपस्थित प्रोटीन्स में पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन जो लाइपेज है ये नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए ये इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सब तो इसका तो राइट आंसर होगा सॉरी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिकपर्दी कपाट और मिट्रल कपाट यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और ये तीनों तो सुमेलित है। चलते अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि मानव अफरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी HCG, HPL और प्रोजेस्टेरोन एम एस्ट्रोजन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः द्रव्यमान की क्रिया होती है, तो आपका जो इसमें क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि के प्लस आयनों के बाह्य प्रभाव से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा आपका इसमें। चलते अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं हो, तो सही नहीं हो वो कथन हमसे पूछा है इसमें,
तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य मस्तिष्क में दो दृक पालिया उपस्थित ये यहाँ पे गलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकरण करने को किस भाग द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आधारीय कला द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसमें होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, वो इस प्रकार है, रेखित पेशियों के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसका आपको आंसर अगर पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में करके आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि इसका आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आप इसको आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, जिससे कि और स्टूडेंटों को भी पता चल सके। और थोड़ी देर में से मैं आपको पूरी कंप्लीट आंसर किसकी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप वो देख लीजिए बायो का, वो इस प्रकार है, प्राणी कोशिका में कौन सा आरएनए प्रयुक्त होता है? तो प्राणी कोशिका है उसमें आरआरएनए प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार देख लीजिए, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात है? तो जो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 गोले पीले 3 गोले हरे 3 झुर्रीदार पीले 1 झुर्रीदार हरा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये हमसे पूछा है कि स्तंभ फर्स्ट में दिए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में दिए कैरियोटाइप को मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, टर्नर सिंड्रोम, यानी कि ट्राउसोमी 21। ये यहाँ पे क्या है कि ये डाउन सिंड्रोम के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप लगा लीजिए अपना लास्ट क्वेश्चन है बायो का, वो देख लेते हैं, वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका व्हेल कबूतर और चमगादड़, ये जो समूह है जो समतापी प्राणियों का है। तो ये थे दोस्तों हमारे बायो के पूरे 34 क्वेश्चन, मैंने आपको 34 में से पूरे 33 के यहाँ पे सही आंसर देने की कोशिश की है, 100% एक्यूरेसी बढ़ती है। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए और कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है आपको इसका पता लगा लीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अभी नेक्स्ट अगली वीडियो में, जो आपको मैं इसकी कंप्लीट आंसर की यहाँ पे डालने वाला हूँ कुछ ही देरों में। धन्यवाद फ्रेंड्स।